हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लव कुमार सोनी। आज मैं बताऊंगा आपको डिप्लोमा कोर्स के फायदे। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, उसके फायदे क्या क्या हैं, इस बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, आपको काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आपको पता होगा। तो सर्टिफिकेट जो होता है वो अंडर वन ईयर कोई भी कोर्स होगा ना, वो आपका सर्टिफिकेट के अंदर आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी अंडर वन ईयर तक कोई भी कोर्स होगा वो सर्टिफिकेट के अंदर आता है, और वन ईयर या वन ईयर से अबव वो डिप्लोमा के अंदर आ जाते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसका नाम डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। और डिग्री, डिग्री क्या होता है, जो भी दो साल से ऊपर की कोई भी आप कोई भी कोर्स ऐसा कर रहे हो तो वो डिग्री के अंदर आ जाता है। ये सब आपको क्लियर हो गया। तो अब इसको डिवाइडेशन करते हैं, हम अपने हिसाब से देखते हैं। देखो, सर्टिफिकेट कहाँ है, जैसे कोई भी पोस्ट है, कोई छोटी पोस्ट है या कोई ऐसा काम है जिसमें बस इतने महीनों की ट्रेनिंग में ही वो काम पूरा हो जाएगा, तो वहां पर क्या होती है, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट। सेम एज डिप्लोमा, डिप्लोमा वही सर्टिफिकेट प्रोफेशनल लेवल पे भी जा सकता है कि 6 महीने में तो हमने हाफ सिखाया, पूरे 1 साल में हमने फुल सिखा दिया, तो उसी सर्टिफिकेट को डिप्लोमा में भी आप ले सकते हो। ये डिपेंड करता है जैसे जो भी पोस्ट आपकी निकल रही है, ठीक है, अब पोस्ट में क्या रिक्वायरमेंट हुआ है, उन्होंने डिप्लोमा मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है, या उन्होंने मांगी है डिग्री, तो उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा बेकार है, डिप्लोमा आपका गवर्नमेंट भी कराती है और प्राइवेट भी कराते हैं। प्राइवेट जिससे भी आप कर रहे हो, बस वो चीज़ ध्यान रखना कि वो आपकी रिकॉर्गनाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बस वो एक्सेप्ट करने वाले होने चाहिए जहां भी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। उनसे ये भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, वो जरूरी नहीं है कि उससे आपका रिकॉर्गनाइज हो। डिप्लोमा में तो चल जाता है ऐसा, लेकिन डिग्री वगैरह जब आप कर रहे हो तो भाई मैं ये बोलूँगा आपको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि डिग्री में खाली पैसा ही नहीं लगता, आपका जो समय लगता है, पैसा तो आप कमा लोगे, दोबारा वापस ले आओगे जो डिग्री में लगा है, लेकिन वो जो 4 साल या 3 साल जो आपके चले गए हैं वो कहाँ से वापस लाओगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब कभी भी आप चुनाव करो किसी कॉलेज का डिग्री के लिए तो ध्यान देना, अगर प्राइवेट हो या हो, गवर्नमेंट तो हो ही गया, अगर प्राइवेट हो तो ये ध्यान रखना वो एफिलेशन किससे है, किससे रिकॉर्गनाइज है, दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिकॉर्गनाइज होना चाहिए वो एफिलेशन, उसका कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आप उस कॉलेज के अंदर इनरोल करें। और डिप्लोमा की रही बात, तो डिप्लोमा जितने भी इंस्टीट्यूट करा रहे हैं तो मोस्टली जो है ना 99% वो रजिस्टर ही होते हैं जो डिप्लोमा करा रहे हैं कहीं ना कहीं, वैसे वो आप उसके ऊपर मेंशन करते हैं अपना कि भाई इस चीज़ से हम रजिस्टर हैं वो सब, क्योंकि डिप्लोमा सर्ट उसमें नंबर भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्या यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं इंस्टीट्यूट्स को कि आप डिप्लोमा कराइए, ठीक है, तो उनसे भी एफिलेशन होके इंस्टीट्यूट खुद भी, जैसे होता है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बोलते हैं, खुद ही रजिस्ट्रेशन कर अपना डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। तो डिप्लोमा के भी काफ़ी फायदे हैं, वो डिपेंड करता है, आप छोटी पोस्ट पे कहीं पर भी आप लगना चाहो, डिप्लोमा से भी अच्छी सैलरी मिल जाती है, 10-15-20 हज़ार तक दे देते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके स्किल, आपकी स्किल है उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि खाली आप डिप्लोमा लेके वहाँ पोगे और आपको आता नहीं है जीरो अंडा, समझ गए, आपको आता नहीं है कुछ भी, तो कहाँ से दे देगा वो पैसे, आप मेरी ध्यान रखना। तो डिप्लोमा के काफ़ी कुछ फायदे हैं, जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर में तो आराम से चलता है डिप्लोमा, ठीक है, और चलता गवर्नमेंट में भी है, इन गवर्नमेंट में जब पोस्ट निकले तो उसमें क्या एडवर्टाइजर के अंदर क्या डिमांड करिए क्वालिफिकेशन की, वो उस पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गई मेरी बात, तो मोस्टली मैं ये बोलूँगा। और डिप्लोमा मोस्टली पता है किस लिए बनाया गया है, जैसे जिनके पास में टाइम नहीं है या कुछ वर्किंग है या उनका कोई जो एजुकेशन का टाइम है वो छूट गया, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो डिप्लोमा को थोड़ा इस वे में बनाया गया है, इस चीज़ को इसलिए लाया गया है कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरी कर सकें, शॉर्ट टाइम के अंदर पूरी कर सकें, समझ गए मेरी बात को। जैसे अब कोई वर्किंग है वो अपना 1-2 घंटे में आकर, क्योंकि डिग्री के लिए तो पूरा प्रॉपर टाइम देना होता है ना, डिप्लोमा एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गई, इसका कोई ना तो टाइम है ना कोई एज है। प्राइवेट के बारे में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में जो निकलते हैं वो चीज़ अलग हो जाए, हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर शायद एज की रिक्वायरमेंट हो जाए, बाकी प्राइवेट में तो आप कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, किसी भी संस्था से करो, बस आप देख लेना और ठीक हो, और बाकी वैल्यू तो यार होती है क्योंकि वो रजिस्टर ही होंगे जो ये चीज़ लिख रहे हैं कि हम डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह तो कोई भी दे सकता है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होते हैं, ये कॉम्प्लीमेशन सर्टिफिकेट होते हैं, ये सब तो मोस्टली कर ही देते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ना, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री तक मैंने क्लियर कर दिया भाई, उसके ऊपर आ जाती है हमारी मास्टर, मास्टर डिग्री आ जाती है, फिर पीएचडी आ जाती है, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है एजुकेशन का स्तर। और मोस्टली ये 3 चीज़ होते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना जिनको ना समझ आ रहा हो, और ऐसे ही कुछ भी आप चाहते हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट देख के उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। क्योंकि यार लिखने में ना वो चीज़ आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है, वो भाव नहीं आ पाता उसके अंदर। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ जैसे ही मेरे को टाइम, और वीडियोज़ आएंगी इसके ऊपर, डोंट टेक ए टेंशन, समझ गए। थोड़ा टाइम है, कुछ शेड्यूल में भी चल रही हैं कुछ वीडियोज़, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।